हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है सॉफ्ट एंड मॉइस्ट पंपिंग केक, जिसमें थोड़े से स्पाइसेस भी मिले हुए हैं जो इसे बनाता है खुशबूदार और साथ ही साथ लाजवाब टेस्टी केक। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में रूम टेम्परेचर बटर लिया है और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ब्राउन शुगर और साथ ही साथ इसमें ऐड करूंगी पाउडर्ड वाइट शुगर। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसका स्ट्रक्चर क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। और हाँ, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि आपका बटर मेल्टेड या रनी स्टेट में ना हो। अगर मेल्टेड हो चुका है पूरी तरह से तो उसे फ्रिज में रखिए और उसे थोड़ा हार्ड होने के बाद उसे केक बनाने में यूज़ कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना फ्लफी और सॉफ्ट हो चुका है, क्रीमी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 by 1 एग ऐड करूँगी और इसे भी मैं धीरे धीरे मिक्स करती रहूँगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ब्यूटीफुली मिक्स हो जाएंगे सारी चीज़ें, ये कर्डल नहीं होगा अगर आप इस प्रोसेस से करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। हमारा वेट इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सिनेमन पाउडर और साथ ही साथ डालूँगी क्लोव पाउडर। और अब बारी आती है बेकिंग पाउडर डालने की। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से छान लेना है और उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको इसी तरह ही स्लोली मिक्स करना है, इसे ओवर मिक्स करना नहीं है। सो जब आपका पूरी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मैश्ड पम्पकिन, जो कि ठंडा होना चाहिए। मैंने केक बनाने से पहले पम्पकिन के पीसेस को बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे ग्राइंडर में पीस लिया था। आप ग्राइंडर में पीस सकते हैं या तो आप पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं, ये ईजिली मैश हो जाता है। अब मैं इसे भी डालकर इसे अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लूँगी। देखिए, आपको इसी तरह से ही धीरे धीरे मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क डालेंगे और इसे स्लोली मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप चाहे जो भी केक बनाएं उससे पहले अपने ओवन को प्री हीटिंग के लिए रखना ना भूलें। जैसे ही बैटर रेडी होता है आप टिन लीजिए, उसमें बैटर डालिए और उसे बेक होने के लिए प्री हीटेड ओवन में डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 6x6 इंच का टिन लिया है। अगर आप ये बैटर को डबल करते हैं, अगर आप इस इंग्रेडिएंट को डबल करते हैं तो आप इससे थोड़ा बड़ा टिन का यूज़ कीजिए। केक बनने के बाद हमें उसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है और उसके बाद उसे स्लाइसिंग करनी है। केक बन करके तैयार है फ्रेंड्स और इसके ठंडा होने के बाद ही हम इसे स्लाइसिंग करेंगे। तो मैं आपको अब स्लाइस करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी केक बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, जो हमने इसमें स्पाइसेस एडेड किए हैं उसके वजह से ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। सो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखिए, फ्रिज में रखिए और जब भी आपको सर्व करना हो तो इसे 5 to 10 सेकेंड के लिए माइक्रो ओवन में पॉपअप कीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। ये पहले की तरह सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगी, नहीं तो इसके रूम टेम्परेचर में आने का वेट कीजिए और उसके बाद इसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।